Hello. Kusi. चलिए देखा जाए, कल आप लोगों को तीन तक सवाल तक बता दिया था ना, 3.2 चल रहा था, उसमें से क्वेश्चन नंबर तीन तक आपका हो गया था। क्वेश्चन नंबर चार देखिए, क्वेश्चन नंबर चार किसना पर किस प्रश्नावली का, प्रश्नावली 3.2 3.2 का। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन सा युग्म संगत है और कौन असंगत है, यदि संगत है तो उनको ग्राफीय विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। यदि संगत होगा तो, अगर असंगत तो ग्राफीय विधि द्वारा हल नहीं करना है, ठीक है ना। तो सवाल दिया गया आपका पहला, चौथे का पहला, एक्स प्लस के वाई बराबर 5 और 2x प्लस के 2y बराबर 10। हमें चेक करना है कि संगत है कि असंगत है, और अगर संगत है तो उसे ग्राफीय विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है, ठीक। चलिए देखिए, कुछ नहीं करेंगे, आपको पता है a1 by a2, हमने कहा जो एक x के साथ रहेगा वो a का मान रहेगा, जो y के साथ रहेगा किसका मान रहेगा, b का मान रहेगा। तो बताइए a1 कितना यहां पे है, 1, a2 कितना है, 2 बड़ा कामा v1 by v2, b1 का मान 1, v2 का मान 2, ठीक। अब अगर बात किया जाए c1 by c2, c1 का मान प्लस इधर क्या हो जाएगा, -5, प्लस में इधर क्या हो जाएगा, 5 × 5 = -3 प्लस हो गया, कितना आ गया 1/2। यार सब बराबर है, तो अगर सब आपको पता है कि a1 by a2 = b1 by v2 = c1 by, अगर सब बराबर होते हैं तो क्या होता है, ये वाला संगत होता है, क्या होता है, संगत होता है। अब बताओ जब संगत है तो किस विधि द्वारा हल करना है, ग्राफीय विधि द्वारा इसको क्या करना है, हल करना है, ठीक। देखिए ध्यान से, आपको पता है इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, समीकरण नंबर सेकंड, हमने कहा किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए। देखिए तो पहले समीकरण फर्स्ट का खींच रहे हैं, समीकरण फर्स्ट के लिए देखिए एक्स वाई, समीकरण फर्स्ट है क्या बच्चों, एक्स प्लस के वाई बराबर 5, अगर हम वाई बराबर रख दे 0 तो एक्स बराबर कितना जाएगा, 5, अगर हम वाई बराबर रख दे 5 तो एक्स बराबर 0, तो ये 5 से 5 आपको क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। चाहे तो दोनों का अलग अलग ग्राफ बनाए, चाहे एक ही बना लीजिए दोनों, ठीक है। चलिए एक ही बना रहे दोनों। अगर समीकरण सेकंड के लिए देखते हैं, समीकरण सेकंड के लिए सेकंड वाला क्या रखा है, 2x प्लस के 2y बराबर 10, है ना, सेम ऐसे ही बनेगा, दो कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा, x प्लस के y बराबर 10, 2 × 1 = 2 × 5 = 10, x प्लस के y बराबर 5, सेम इसी प्रकार तो ग्राफ बना, देखिए ऐसे बनेगा दोनों एक जैसे है कि नहीं, इसका भी अगर बनाते हैं बनाना चाहे तो ऐसे बनेगा आपका, ये हुआ x, ये हुआ y, x बराबर, अब अगर आप y बराबर रखते हैं क्या 0 तो x का मान कितना जाएगा, 5, और अगर आप y बराबर 5 रखते हैं x का मान 0, यानी दोनों ग्राफ एक ही रेखा पर बनेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या थे, संगत थे, और जब तीनों बराबर तो संपाती होता है, क्या होता है, संपाती, संपाती का मतलब एक के रेखा पे दोनों का ग्राफ बन जाए, देखिए यानी एक ही रेखा पे होंगे ये समीकरण, दोनों समीकरण कहां होंगे, एक ही रेखा पे होने का मतलब ही संपाती होता है, संपाती है तभी तो एक रेखा पे होगा। देखिए 5 तक हाईएस्ट गया है, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 तक ले लिए, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
एक दो तीन चार पांच छ सात, ठीक है ना। ये आपको बच्चों x डैश x मान लेते, इसको y मान लेते हैं वाई एच, इसे x डैश इसे y डैश, ये हमारा मूल बिंदु है जीरो। अब अगर बात किया जाए कि पहले समीकरण में x बराबर आप कितना चल रहे हैं पांच, कितना चल रहे हैं x बराबर पांच, तो x पे देखिए एक दो तीन चार पांच, x पे चला आपने पांच, तो y कितना चले हैं जीरो, जीरो मतलब मूल बिंदु पर ही है, आगे नहीं बढ़ पाए हैं। फिर आप x पे चल रहे हैं जीरो, तो y कितना चलना पड़ रहा है पांच, एक दो तीन, एक दो तीन चार, यहां पे बिंदु हो गया। आप ऐसे पटरी रख के ग्राफ खींच दोगे, हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। ये किस समीकरण के लिए हुआ, x प्लस के y बराबर, तो जिस समय यानी समीकरण फर्स्ट के लिए भी यही ग्राफ है और सेकंड के लिए भी, सेकंड क्या है आपका 2x प्लस के 2y बराबर 10, दोनों समीकरण के ग्राफ क्या होगा सेम होगा, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है संपाती है। आया समझ में कि नहीं आया, तो ये पहला सवाल था चौथे का पहला। तो ऐसे हल कर पाओगे नहीं कर पाओगे बताइए, अगर संगत है तभी ग्राफ बनाना है, अगर असंगत रहेंगे तो ग्राफ हमें नहीं बनाना, हो जाएगा ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से, एक सवाल कह रहा है आपसे कि एक आयताकार बाग है। देखिए इस टॉपिक से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जिस टॉपिक को हम बता रहे हैं कि इस टॉपिक से उस टॉपिक को ज्यादा फोकस करो, ठीक है ना, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगा। नहीं तो वही लड़का वाला होगा, अभी इंटर का कल बताए थे, परसों बताए थे कि 30 नंबर आएगा तुम्हारा, अरे 40 नंबर का हम बताए थे, हम 30 नंबर तुम्हारा फंसना है, 34 नंबर फंसा पेपर में, क्या चाहिए यार। उसके बाद कह रहे नहीं पढ़े, अब नहीं पढ़े तुम्हारी गलती है ना, है कि नहीं। इसलिए बहुत लोग कहने देते हैं यार भाग्यशाली होते, मतलब सफलता के लिए भाग्यशाली जरूर होना जरूरी नहीं है, क्या हम भाग्यशाली रहे तभी। वो लोग कहते हैं उनके पास काम था, हाँ क्या हमें कोई काम पड़ गया। अब मान लो परीक्षा जब करीब है आपके, तब पढ़ाई करोगे तो कितना लेकर आ सकते हो, वही काम शुरू शुरू मेहनत से करो ना, आ जाए कि नहीं आ जाएगा नंबर, आएगा ना। अब देख रहे बोल लोग को देखते होंगे, जाते हैं कपिया बैठ के बैठ के पन्ना पलटा जाते नहीं, से सलिया भर ना पढ़े दिन में पढ़ के क्या कर ले, वो कोई पाई कुछ ना हो पाए। अब यार मान लो कल परीक्षा आपके पास है, आज कोई काम पड़ गया, या बाई देवी तुम्हारा तबीयत ही खराब हो गया, पढ़ाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तब क्या करोगे, तब कहोगे अरे भाग्यम ना ही रहा परीक्षा देवे है। भाग्य सफलता के लिए भाग्यशाली होना जरूरी नहीं है। आप लोग जानते होंगे, नाम सुने होंगे अब्राहम लिंकन का, जो 22 साल के उसमें ही चुनाव हार गए पहली बार, फिर उनके व्यापार में लॉस हो गया, क्या वो भाग्यशाली नहीं थे, व्यापार में लॉस हो गया हार नहीं माने, उनके पत्नी मर गई तब वो हार नहीं माने, अपना काम जारी रखे, दिमाग संतुलन जो होता है उसको भी खो बैठे तब भी हार नहीं माने, जो उसके बाद जो मेयर का उसका है प्रेसिडेंट का चुनाव होता है उसको भी एक बार हार गए तब भी चुनाव नहीं हारे, हार नहीं माने, धीरे धीरे करके वो एक दिन क्या हो गए, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने, बने कि नहीं बने, लेकिन वो हार माने। अगर वो हार मान लिए होते उसी वक्त, तब पता नहीं कहां होते, कोई जान पाता नहीं, सफलता के लिए हार नहीं मानना चाहिए। अब मान लो इसी को धीरे धीरे मेहनत करोगे, अब जब धीरे धीरे मेहनत करोगे तभी एक दिन आएगा। अब मान लो परीक्षा समय आया, हम नहीं पढ़े लिखे हैं यार, नहीं पढ़े उढ़े परीक्षा टाइम पे, लेकिन पहले तुम्हारा तैयार है ना पहले से, और जब परीक्षा करीब रहेगा तभी पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब कहां से कुछ हो पाएगा, एक दिन में कोई सफलता हासिल कर सकता है। तो अगर भाग्य ना ही रहा, पेपर दे जाते हो ट्रेन में छूट गए, भाग्य ना ही रहा मेरे भाग्य में पेपर और छूट गए, होता है कि नहीं होता है। अरे तुम्हें टाइम टाइम से निकले होते, अगर टाइम से निकले होते तो दिक्कत होता नहीं होता। अब कोई जो एडमिट कार्ड भुलाएगी भाग्य में ना ही रहा, अरे तुम्हें परीक्षा देने के तो एडमिट कार्ड वाला लेके जाओ ना। कल एक लड़के का ऐसे पेपर देने जा रहा था, बताओ 2:10 पे जाके पहुंचा, कहा था सर ये पैकिया पंचर लगा था, भाग बना रहे पेपर वादी के, तो तुम्हारे स्कूल से हम चले आए हैं कल,
एड्रेस को चले आए, वही पेपर दिलाने गए थे एक लोग का। 12 बजे हमारे पास फोन लगा रहे हो, तुम्हें जाना है दूर पेपर देने, पहले बता दिए होते तो स्कूल में नहीं गए होते, चलते तुम्हारे दिला देते। फोन लगा रहे हो, बाइक पंचर रास्ते में, अरे तुम 1 घंटा पहले निकले होते घर से, प्रॉब्लम था तुम्हारे पास, 1 घंटा पहले निकले होते, टाइम तुम्हारे पास रहता बनवा लेते कहीं पे। अब तुम्हारे 10 मिनट देखते हो टाइम, 10 मिनट बचा है तब निकले, अब हवा तेज में चलते हुए अब पता लगा एक्सीडेंट हो गए, मरी गयो, कहानी खत्म है। दादा हमारे जान के बेटा हुआ, गए पेपर दिए, पहला हालत होता है सबका, बहुत दिक्कत लगता है। पांचवा सवाल आपका कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, कोई क्या है, आयताकार बाग है। आयताकार बाग का मतलब उसमें लंब आमने सामने भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, और लंबैया यानी आमने सामने का ये बार लंबाई लंबाई बराबर और चौड़ाई चौड़ाई, तब जाके आयताकार है। ठीक, एक आयताकार कोई क्या है, आपका बाग है, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना, 4 मीटर क्या है, अधिक है, 4 मीटर अधिक है। यदि अर्ध परिमाप इसका जो है वो 36 मीटर है, कितना मीटर है, 36 मीटर है, तो इनकी बीमाएं निकालिए, बीमाएं मतलब बाघ की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, मीटर हो तो लंबाई तथा क्या निकालना है, चौड़ाई। देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए लंबैया जो है चौड़ैया से अधिक है ना, तो माना लंबाई बराबर हमने x, कितना मान लिया, x मान लिया, और चौड़ाई बराबर हमने क्या मान लिया, y मान लिया। लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, ये बताइए कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है, यानी चौड़ाई में 4 जोड़ोगे तब जाके लंबाई के ये बराबर आएगा, है ना। तो लंबाई कितना बच्चों, x, चौड़ाई y प्लस के 4, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक, अब अगर बात करें कि हमें प्रश्नानुसार पता है सेकंड केस में कि अर्ध परिमाप कितना है, 36। अच्छा परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, 36 होता है ना, ये अर्ध परिमाप है, यानी काटो ऐसे अर्ध परिमाप, यानी ये जो हुआ होगा परिमाप का क्या हुआ होगा, आधा, परिमाप का आधा, तो यानी परिमाप लंबाई और चौड़ाई बराबर 36, ये दिया है। ठीक है, परिमाप दिया का लंबाई और चौड़ाई बराबर 36। ठीक, तो देखिए लंबैया कितना है x, चौड़ैया y बराबर, समीकरण नंबर सेकंड, प्रतिस्थापन लगाओ डायरेक्टली पता है कि x बराबर कितना होता है, y प्लस 4, तो कहोगे x बराबर y प्लस के 4, समीकरण नंबर फर्स्ट सेकंड में क्या करने पे, रखने पर, तो बच्चों x की जगह पे y प्लस के 4 प्लस के y बराबर 36, 1 1 2 y, ये प्लस मतलब क्या हो जाएगा, तो 36 माइनस 4, तो 2 y बराबर कितना आ गया, 32, 2 1 16 2 y बराबर कितना आ गया, 16, y का मान आ गया यानी चौड़ाई आ गया, तो जब चौड़ाई आपका कितना है 16, तो लंबाई निकाल लीजिए, x बराबर कितना होता है y प्लस के 4, तो x बराबर 16 प्लस के 4, x बराबर कितना आ गया, 20, मीटर में है तो मीटर में सब लिख दो, हो गया कि नहीं हो गया, आसान है कि नहीं आसान है, तो पांचवा हमने हल कर दिया। कितना अपलोड कर वो फिर से सोच कर दो, देखिए सातवां सवाल,
आजकल गड़बड़ा है मामला, नहीं अब बहुत गड़बड़ा है, जे मिलत होते वही मेरे मिलत है। समीकरण एक्स माइनस वाई प्लस के वन बराबर जीरो, ठीक, और दे रखा है कि थ्री एक्स प्लस के टू वाई माइनस के टूवेल्व बराबर जीरो। कह रहा है का ग्राफ खींचिए, और ग्राफ खींचने के बाद इन रेखाओं से बने त्रिभुज का क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। पहले ग्राफ खींचना है, फिर ग्राफ खींचने के बाद इन रेखाओं जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज का क्या बताना है, निर्देशांक निकालना है, का ग्राफ खींचना है। कोई दिक्कत नहीं, पहले ग्राफ खींचते हम लोग। बच्चों दिया गया है x माइनस वाई प्लस के वन बराबर जीरो, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा आपका थ्री एक्स प्लस के टू वाई माइनस के टू एल बराबर, इक्वेशन सेकेंड। समीकरण फर्स्ट के लिए पहले देखते हैं, समीकरण फर्स्ट के लिए क्या दे रखा है आपको, ये आपका है x, ये है y, एक x है दूसरा क्या है आपका y। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई प्लस के वन बराबर। बच्चों अगर हम y बराबर रख दे जीरो तो x प्लस में उधर क्या हो जाएगा, माइनस के वन हो जाएगा। अरे भाई प्लस में उधर जाए क्या हो जाएगा, माइनस। अगर हम x बराबर रख दे जीरो या x बराबर रख दे वन, सॉरी y बराबर कितना रख दे वन, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा कट, x का मान कितना जाएगा जीरो आ जाएगा। दो बिंदु आराम हो गया निकलने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए है कि नहीं। देखिए y का मान रख दिया हमने एक, तो ये माइनस एक के प्लस एक कट गया, x बराबर कितना आ गया जीरो आ गया, ठीक। अब समीकरण सेकंड के लिए देखते हैं, समीकरण सेकंड के लिए क्या दे रखा है बच्चों, थ्री एक्स प्लस के टू वाई माइनस के ट्वेल्व इज इक्वल जीरो। देखिए अगर छोटा सा बनाते हैं यहां पे, ये x ये y। बच्चों अगर हम y का मान रख दे जीरो, कितना रख दिया हमने जीरो, y का मान जब हमने जीरो रखा तो ये आपका जीरो पूरा हो गया, बचा क्या आपका थ्री एक्स माइनस के ट्वेल्व बराबर, ये मान से क्या हो जाएगा, तो थ्री एक्स बराबर कितना जाएगा ट्वेल्व, तीन इक्के तीन चौके x बराबर चार, कितना आ गया चार आ गया, कोई डाउट। अगर हम y का मान रख दे छ, कितना रख दे तो छ दुना बारह माइनस के बारह कट नहीं जाएगा जीरो, x का मान कितना आ गया जीरो आ गया, आया समझ में। देखो छ दुना बारह प्लस बारह माइनस बारह कट गया बराबर थ्री एक्स बराबर जीरो, तो x बराबर कितना आ गया जीरो। बिंदुएं प्राप्त हो गई, ग्राफ खींचना है, देखिए x x डैश y y डैश। बच्चों एक दो तीन चार पांच छ, 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 ठीक। x पे चल रहे माइनस एक, कितना चल रहे हैं माइनस एक, यही तो है, इधर चलेंगे तो माइनस, इधर चलेंगे तो ऊपर, चलेंगे तो नीचे, चलेंगे तो माइनस, तो माइनस एक, तो वाइप चलना पड़ा जीरो, कुछ नहीं चले है ना ऊपर जाए है ना नीचे, फिर आपको एक्स पे चलना पड़ा जीरो, तो वाइप चलना पड़ा कितना एक, प्राप्त हो गया, ठीक। ऐसे रहने दो, भी इसमें एक्स पे चलना पड़ा है चार, एक दो तीन चार, तो y कितना चलना पड़ा है जीरो, फिर x पे चलना पड़ा है कितना जीरो, तो y चलना पड़ा है एक दो तीन चार पांच छ। बच्चों ऐसे करके हमने इस समीकरण का ग्राफ खींचा, और ऐसे करके हमने इस समीकरण का ग्राफ खींचा, हो गया कि नहीं हो गया। x अक्ष वाले बिंदुओं का निर्देशांक निकालना है त्रिभुज का, ये त्रिभुज दिखा कि नहीं दिखा, देखो ये त्रिभुज दिखा कि नहीं दिखा, है ना। तो x वाले इसका निर्देशांक क्या निकला है आपका, इस वाले का जीरो, पहले कितना है
माइनस के एक कामा जीरो, इस वाले का इधर आप चले हैं जीरो, यानी चार कामा जीरो, बस एक्स अक्ष वाले का निकालना था, एक्स अक्ष वाले का निर्देशांक निकलने गया, बस हो गया, नोट कर लीजिए।